क्या प्रधानमंत्री ये पहल नहीं कर सकते थे? आशुतोष जी, शपथ लेने से प्रधानमंत्री नहीं होते, संविधान के सामने नतमस्तक होने का नाटक करने से देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री का कुछ दायित्व होता है और वो दायित्व यदि आदमी वो पूरा नहीं करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का मात्र स्टार प्रचारक है जिसको चुनाव लड़ना और जीतने का एक नशा बन चुका है। आज शर्मनाक स्टेटमेंट है, मतलब इतना बेशर्मी से कोई बोल भी नहीं सकता। जब पूरा देश में शमशान बना हुआ है, ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि राहुल गांधी को सुनता ही कौन है जो रैली में नहीं आ रहे, रैली बंद कर। अरे जिसको कोई नहीं सुनता, थोड़े बहुत सुनते हैं, वो रैली मना कर रहा है। आप तो नाकों की बात कर रहे हैं, आप किस मुंह से रैली करवा रहे हैं? गृहमंत्री कहते हैं कि सारा प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। क्या हमारे यहाँ तिवारी जी है कलकत्ता से, कलकत्ता में ऐसा कोई ग्राउंड है कि जहां 200,000 लोग इकट्ठा हो और 4 फीट का डिस्टेंस हर एक के बीच में हो, 400,000 लोगों का सैनिटाइजेशन, उनका मास्क चेकिंग और टेम्परेचर करने की जगह है? मूर्ख बनाते हैं। देश में हमारे पास पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर है, वो महिमा मंडित करते हैं कि प्रधानमंत्री दिन में रैली संबोधित करते हैं, रात को कोरोना की लड़ाई लड़ते हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री से मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मैं बात करना चाहता हूं। उनको बोला जाता है कि आप तो अभी प्रधानमंत्री रैली में बिजी है, बाद में बात करेंगे आपसे। महाराष्ट्र में मरता हुआ लोगों का आंकड़ा, गुजरात में तो राम राज्य था ना, 7-15 साल से 25 साल से पीछे बीजेपी है। 1-13 साल की लड़की बाप के गोद में दम तोड़ देती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, नया ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। गुजरात से मेडिसिन जाती है, रात को जब पकड़ा जाता है कोई कि 50,000 मेडिसिन लेके बैठ गया है तू, इंजेक्शन, तो देवेंद्र फडणवीस बेशर्म होकर उसको छुड़वाने जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमने खरीदी है बीजेपी ने। और दमन का प्रशासन कहता है कि इस कंपनी को जो फ्रॉग फार्मा है, इसको तो परमिशन ही नहीं भेजने की। तो ये इलीगल स्मगलिंग का काम बीजेपी कर रही है, इसका कोई जवाब है? और ये मूर्ख पुलिस महाराष्ट्र की, नपुंसक पुलिस, मैं कहता हूं कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन आता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं और छोड़ देते हैं लोगों को, केस चलनी चाहिए। ये जितने भी लोग हैं इनके ऊपर हत्याओं का केस चलना चाहिए। बंगाल में 2000% से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है केसेस में। यदि बंगाल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया तो ये तमाम रैली को एड्रेस करने वाले के खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए और आतंकवादी कार्यवाही में इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। काला कहा नहीं है, कुशाभा ठाकरे पितृपुरुष थे, संपादक संस्थापक थे बीजेपी के, उनके सगे भतीजे, दोनों सगे भतीजे इंदौर के हॉस्पिटल में दम तोड़ते हैं क्योंकि एक को ऑक्सीजन नहीं मिला और एक को इंजेक्शन नहीं मिला। कुशाभाऊ ठाकरे का बैग उठाने वाले कॉर्पोरेटर अब्जोपति हो गए और जिनके सर पे हाथ रखा हुआ आज मुख्यमंत्री है। आज पहली बार आशुतोष, जीवन में पहली बार निराशा ने घेरा है। हम दिल्ली में है, इतने सालों से पत्रकारिता करते हैं, लोगों को लगता है इनके संबंध बहुत है। जहां जहां देश में संबंध है वहां से लोग फोन करते हैं कि भाई साहब एक सिलेंडर, भाई साहब एक इंजेक्शन, कोई कहता है कि एक बेड की व्यवस्था करिए। आप फोन करोगे कलेक्टर को तो आपका मान जाएगा, आपका नाम चलता है। और मैं जानता हूं जिसको फोन करता हूं वो फोन उठाता नहीं है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पहली बार अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहा हूं कि जिसको फोन करता हूं फिर दूसरे दिन जब फोन करता हूं कि आपकी मां कैसी है तो बोलते हैं कि अशोक जी उनका अंतिम संस्कार हो गया है। लखनऊ में 10,000 रुपए मांगे जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, टाइम भी करने के लिए। शमशान छोड़ के जहां जगह है वहां शमशान हो गया है और हमारे नेता रैली को संबोधित करते हैं। एक बंगाल तो जीत लोगे और बाकी क्या शमशान पर राज करोगे? 3,000 करोड़ की मूर्ति बनाई है आज गुजरात में, सबसे ज्यादा गुजरात में हालत बेकार है, चिमनी पिघल गई है शमशान में। सीएनजी की जो चिमनी थी वहां चिमनी पिघल गई है, इतने अंतिम संस्कार हुए हैं। 3,000 करोड़ की मूर्ति बनाई है, अरे उसमें 300-100 हॉस्पिटल हो जाते थे। आज किस हर एक को जवाब देना होगा। और आज कहां थे तन की बात, मन की बात? अशोक आज एग्जाम कैंसिल करते हैं क्योंकि एग्जाम में तो बच्चे डिस्टेंसिंग से बैठते हैं। आशुतोष एग्जाम तो जब कोरोना नहीं था तब भी सेफ और डिस्टेंसिंग था उसमें। आज एग्जाम कैंसिल कर सकते हो, रैली नहीं कैंसिल कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट करते हो कुंभ को लेकिन कानूनन कुंभ कैंसिल नहीं कर सकते हो।
यह मजबूरी है आपकी, यह वोट की राजनीति है। और राजनीति इतनी हानि हो जाए, किसी ने मौत का सौदागर कहा था, बहुत गुस्सा आया था लोगों को। आज हम क्या कहेंगे, क्या वो शब्द गलत थे?